हे गाइस वेलकम बैक टू श्रद्धाज ब्लॉग। आज जो है मैं डिनर में फिश फ्राई बनाने वाली हूँ, तो आज फिश फ्राई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी बताती हूँ कि मैं फिश फ्राई कैसे बनाने वाली हूँ। बाल अगर बंधे नहीं रहे तो मुझे किचन में कोई भी काम समझ में नहीं आता है। तो अभी जो है फिश को मैं पहले मैरिनेट करूँगी। तो ये फिश जो है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके पीसेस। और इसमें अभी एक अच्छा खासा बड़ा चम्मच में जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद एक पूरा हाफ लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। और थोड़ा सा बेसन, एक चम्मच बेसन ऐड किया मैंने। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो अभी इसे मैंने जो है अभी मैंने फिश को जो है अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और अभी इसे मैं आधे घंटे तक रहने दूंगी। अभी जो है मेरा दाल राइस का कुकर बन गया है और अब मैं मसूर की दाल बनाई है मैंने, तो उसे मैंने पहले प्रेशर कुक कर लिया है और अभी मैं थोड़ा सा उसको हल्का सा घी डाल के फ्राई करूँगी। यहाँ पे एक साइड में मैं फिश फ्राई करने के लिए पैन रख दिया है। ये जो मसूर की दाल है इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा घी डाला है मैंने। घी में मैं थोड़े से ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और जीरा
हींग, देन कड़ी पत्ता, हल्दी, हींग कड़ी पत्ता जीरा और ब्लैक पेपर मिरी वो डाला है और हल्दी डाली है। मैंने मसूर की दाल ली थी, आज मैंने सिर्फ मसूर की दाल ली है, इसमें ना कोई मिक्स की है, ओन प्योर मसूर की दाल है। मसूर की दाल को अगर आप तड़का लगाओगे मिरी कड़ी पत्ता और जीरा के साथ और घी में तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है और फिश भी मैंने मैरिनेट करके रखी थी, अभी उसे आधा घंटा तो हो ही गया है 45 मिनट्स तक, तो अभी इसे मैं फ्राई करूँगी। तो पैन में मैं कर रही हूँ क्योंकि स्टील के इसमें करो तो ये ना चिपक जाती है, पैन में आपको कम ऑयल में आप इसे फ्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं अभी ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, और बेसन डालने से जो है ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनती है। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हो या फिर सूजी रवा जो होता है वो भी, सेमोलिना। तो ये फिश जो है अभी अच्छे से हो गई है, तो अभी इसे मैं एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हो गई है, ये उसका नीचे वाला साइड था। मेरी फ्राई फिश रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्रिस्पी हो गई है ये, क्योंकि इसमें मैंने बेसन ऐड किया था। तो जैसे मैंने इसे अभी निकाला है तो इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी जब ये गर्म रहती है तभी। चाट मसाला ऐड करने से ये और भी टेस्टी लगती है। तो आप देखो मेरी रेडी है फिश, और साथ में सैलेड में मैंने नींबू और प्याज कट किए हैं। ये मेरा डिनर रेडी हो गया है, मूंग मसूर की दाल, राइस और प्याज और नींबू, और साथ में फिश फ्राई। ये मेरा अभी डिनर रेडी है और मैं अभी वेट नहीं कर सकती इसे खाने के लिए। तो ये ब्लॉग जो है अभी यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, और अभी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।